ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जी, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, चारों तरफ लोग भय में हैं और लोग घर में बैठे हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं और घर में बैठे बैठे बोर भी हो रहे हैं, तो इस समय वो अपना समय को कैसे बिताए और अपने विचारों को भी कैसे बदले। सारे विश्व के अंदर जब से कोरोना वायरस फैला है, तब से एक सबके अंदर डर भय चिंता फैल गई है। हाँ जी, चारों तरफ मुलुक का एक हाहाकार मचा है और सभी लोग डर रहे हैं कि ये कहीं हमारे पास ना आ जाए, क्योंकि ये हवा से और छूने से लगने वाला संक्रामक रोग है। परंतु वास्तव में बाबा कहते हैं कि ये भी हमारी सबकी परीक्षा है। अगर ये आया है तो हमारे कुछ ना कुछ कल्याण के लिए आया होगा। ड्रामा जो सृष्टि नाटक है, जो हमें बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, तो उसमें ये है कि पूर्व निश्चित के अनुसार सब चल रहा है, तो पहले भी चला है और अभी भी चल रहा है। अगर हम ये शुभ सोचना करें, शुभ सोचें, ये तो बाबा का विश्व कल्याणकारी ड्रामा है। जरूर कुछ न कुछ हमारा कल्याण हो रहा है, हमें तपस्या का अवसर मिला है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम बाबा के साथ योग लगाएं और तपस्या करें और अपने समय को अच्छी बातों में बिताएं, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, बार बार मुरली पढ़ें, चिंतन करें बाबा के ज्ञान का, और जो ज्ञान को नहीं पूरा समझा है उनको भी समझा कर उनकी चिंता और भय से उनको मुक्त किया जाए। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जितना हो सके अपने अभी पुण्य का खाता जमा करें तपस्या और ज्ञान के द्वारा, और दूसरों को भी ऐसा शुभ चिंतन दे कि वो भी अपनी चिंता और इस रोग से डरना बंद कर लेंगे और दूर हो जाएगा ये डरना उनका। उसमें हमें शिव बाबा से योग लगाना, शक्ति लेना और ज्ञान का मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। उससे हम इस कार्य को सब वो कर सकते हैं, विदा कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि हमें आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना है, विचार श्रेष्ठ रखना है, तभी हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे तो हम दूसरों का भी विचारों को बदल सकते हैं। ओम शांति।